भारतीय जनता एसटी मोर्चा की बैठक खत्म होगी। बैठक के बाद कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं और निर्णय को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए केदार कश्यप जी है। केदार कश्यप जी, सबसे पहले ये सवाल है कि एसटी मोर्चा की बैठक खत्म हो गई है, क्या कुछ निर्णय लिए गए? बड़ा आंदोलन के कार्यक्रम भी बनाई गई है। देखिए, एसटी मोर्चा के माध्यम से जो हमारे आदिवासी समाज के साथ में इस कांग्रेस सरकार ने खिलवाड़ किया है और जो याचिका थी उस याचिका पर अपना पक्ष सही तरीके से प्रस्तुत नहीं किया, उसके कारण से जो हाईकोर्ट का निर्णय आया है उससे हमारे आदिवासी समाज में जिस तरीके से आक्रोश है, उस आक्रोश को लेकर के हमारे जिलाध्यक्षों ने अपनी बात रखी, उसको लेकर के आगामी रणनीति बनी हुई है। 8 तारीख को 3 संभाग मुख्यालयों पर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, धरना किया जाएगा, चक्का जाम किया जाएगा और उसके बाद 13 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक विधायक निवास का घेराव किया जाएगा। 9 अक्टूबर से लेकर के आगे तक प्रत्येक ग्राम पंचायत में जाकर के जो हमारे आदिवासी पंचायतें हैं उन पंचायतों के माध्यम से राज्यपाल जी के नाम से और मुख्यमंत्री जी के नाम से एक ज्ञापन जाएगा ताकि ये सरकार जो हमारा आरक्षण है उस आरक्षण को यथावत रखे, इस बात के लिए अपील की जाएगी। सरकार को चेतावनी के साथ विधायकों को न्योता देने के भी आप लोगों का कार्यक्रम है, शामिल होने के लिए आपने कहा कि जो कांग्रेस विधायक है जनजातीय समाज के उनको आमंत्रित किया। बिल्कुल, हमारे एसटी मोर्चा के माध्यम से जितने भी हमारे विधायक हैं उनको आग्रह किया जाएगा कि इस विषय को लेकर के गंभीरता से अपने कहते वो करें, अपना मुंह तो खोलें, कब तक मुंह में चुप्पी बना के रखेंगे? हमारे कहते कांग्रेस के विधायक बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, नाचने लग जाते हैं, शराब के ऐसे व्यवहार करते हैं, लेकिन आज जब आरक्षण का मामला आया है तो हमारे एक कांग्रेस के विधायक अपने मुंह में दही जमा करके क्यों बैठे हुए हैं? इस बात को ये सरकार इस यहाँ के विधायकों को स्पष्ट करना चाहिए और इसके लिए हम कहते हैं हमारे मोर्चा के माध्यम से ये प्रस्ताव जाएगा और उनको आमंत्रित किया जाएगा कि जो हमारे कहते हैं आरक्षण खत्म हो रहा है, घट रहा है, उसको यथावत किया जाए। इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं जनजातीय समाज है वो भ्रमित है कि आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है, सरकार कह रहे कि बीजेपी का जो काम है वो ठीक से नहीं हो पाया, अब आप लोग कह रहे कि सरकार ठीक से अपने काम नहीं कर पाए, ऐसे में जनता को क्या कुछ आश्वासन? जनता बिल्कुल भ्रमित नहीं है, ये कांग्रेस की सोची समझी चाल है कि वो ऐसा वातावरण तैयार कर रही है कि वो बीजेपी की सरकार में 2011-12 से लेकर के आज 22 तक यदि वो हुआ इन 3.25 साल में उस याचिका को लेकर के जो बीजेपी का वकील ने जिस तरीके से अपना पक्ष रखा, कांग्रेस की सरकार में क्यों पक्ष नहीं रख पाए? और 3.25 साल तक इस सरकार ने क्या मूंगफली छीलने का काम किया? क्या इस सरकार का दायित्व नहीं बनता? क्यों ये बैठे हैं? इस बात को लेकर के इस सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। ये सरकार अपनी गलती को छिपाने के लिए बीजेपी के सरकार के ऊपर आरोप लगा रही है, लेकिन जनता अब सब समझ चुकी है, जनता के माध्यम से ये प्रस्ताव आएगा। तो कहीं ना कहीं हाईकोर्ट के फैसले के बाद आरोप प्रत्यारोप के दौर लगातार जारी था और इस बीच कहीं ना कहीं एसटी मोर्चा की बैठक के बाद एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि आगामी जो रणनीति है आंदोलन के रूप में एख्तियार किया गया है। चेयरपर्सन अंकित कुमार के साथ आजनिक शर्मा, रायपुर, छत्तीसगढ़।